प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में वीजा से जुड़ी घोषणाएं टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का भी कहना है कि अगर सरकार केवल ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा शुरू कर दे, इससे टूरिज्म में 10 से 15% का इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के जरिए पर्यटन उद्योग को रफ्तार देने की कोशिश को भी गति मिलेगी। बिना किसी कठिनाई के अमेरिकी टूरिस्ट भारत की यात्रा कर सके, इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन तथा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बहुत ही निकट भविष्य में इसको भी लागू कर देंगे। मेडिसिन स्क्वायर में प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐलान भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। टूरिज्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अमेरिकी टूरिस्टों के लिए वीजा ऑन अराइवल और लंबे समय के वीजा जैसे फैसलों से टूरिस्टों की संख्या दोगुनी तक बढ़ सकती है। टूरिज्म जो है इंडिया का, सिर्फ अमेरिका से नहीं पूरी दुनिया से आज 7 मिलियन टूरिस्ट भारत में आता है। ये आने वाले दिनों में ये 15 मिलियन के करीब हो जाएगा। 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि 100% इंक्रीज हो जाएगी। ये एक सिलसिला है जो कुछ महीनों से चला आ रहा है और ये ई वीजा के साथ जुड़ा हुआ वीजा ऑन अराइवल का भी एक नया प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है। तो ये सब चीज़ें जब से लागू होंगी तब से ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि काफ़ी बढ़त होगी इनबाउंड टूरिज्म में भारतवर्ष की ओर। सरकार ने पिछले कुछ सालों से वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बढ़ानी शुरू कर दी है, इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। 2012 में जहां 16,084 वीजा ऑन अराइवल जारी किए गए, वहीं 2013 में ये आंकड़ा बढ़कर 20,294 तक पहुंच गया। जहां तक देशों का सवाल है तो सबसे अधिक वीजा ऑन अराइवल जापान को जारी किया गया, इसके बाद न्यूजीलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया का स्थान आता है। इसके बाद वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का लाभ उठाने वालों में सिंगापुर, फिनलैंड, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। भले ही अमेरिकी पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं मिली हो, इसके बावजूद 2013 में सबसे अधिक पर्यटक अमेरिका से ही आए हैं। इस दौरान भारत में 10,85,000 अमेरिकी भारत घूमने आए। भारत में आए कुल पर्यटकों में अमेरिकी पर्यटकों की हिस्सेदारी 15.58% रही। इसके बाद ब्रिटेन और बांग्लादेश का स्थान है। वर्ल्ड टूरिस्ट अराइवल की लिस्ट में फिलहाल भारत का स्थान 42 है, लेकिन सरकार की ओर से पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और वीजा नियमों में ढील देने से इंडस्ट्री नई ऊंचाई को छू सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।